वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी किताब में एक नया गाना गाने जा रहे हैं जिसका नाम है सुनो और दोहराओ। तो चलो हम अपने अपने गीत की शुरुआत करते हैं। पहली इकाई में, पहली क्लास में बड़बड़ गीत सुनो और दोहराओ। बच्चों, इस यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई दे सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आदमी हैं। वो ऐसे खुश हो रहे जैसे हम स्कूल जाते हैं। बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो कितने खुश होते हैं जब हमारा स्कूल का फर्स्ट डे होता है। जैसे जून महीने में हमारे स्कूल की शुरुआत होती है तो हम बहुत न्यू नई नई किताबें लेते हैं, नए नए ड्रेस लेते हैं, नए नए जूते लेते हैं, नए नए मोज़े लेते हैं और हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तब हम एक गाना गाते, तो हम कौन सा गाना गाने जा रहे हैं? टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। अभी जब हम पाठशाला में जाते हैं, जब अपनी क्लास में जाते हैं, तो हम एक नया गीत गाने जा रहे हैं, एक नया गीत गाते हैं कि हम अपने स्कूल में अच्छे से जाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, नई नई किताबें लेंगे, नए नए बैग लेंगे, सब कुछ नया रहेगा। हमारी टीचर भी नहीं रहेगी, हमारी क्लास भी नहीं रहेगी। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान की दीप जलाना। अभी जो हमारा आसपास का एरिया है, जो मोहल्ला है, वो पुराना हो गया। अभी हमें अपने एरिए में नया दीप जलाना है। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। मतलब बच्चों, अगर हम पढ़ेंगे तो बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, पायलट बनेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। इसलिए बच्चों, हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़े नहींगे, अगर लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, ये पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। जब हम क्लास में जाते हैं नई नई किताबों के साथ, नए नए यूनिफॉर्म के साथ, नए नए जूतों के साथ, नए नए बैगों के साथ, और हमारी नई क्लास मिलती है, हमारी नई टीचर रहती है जिसे हमें हिंदी पढ़ाती है, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हम नई नई कविता पढ़ते हैं, नई नई अपनी पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, नया नया इरेजर, शॉर्पनर, सब कुछ हमारा नया रहता है और हमें पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हमें पुरानी बातों को भुला के नई से शुरुआत करनी है कि हमें आज पढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें पढ़ लिख के कुछ काबिल बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, सोल्जर बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। इस यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हो, एक लड़का है। तुमने पुस्तक देखी क्या? अभी एक लड़की है, वो क्या बोल रही है, तुम्हें पाठशाला कैसी लगी? हाँ, पाठशाला में जब हमारा नई हम अपनी ज़िंदगी में जब हम छोटे होते हैं, हमारी पाठशाला देखते हैं, हमारे स्कूल देखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का आगाज़ होता है कि हम स्कूल में कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ लिख के कुछ लायक बनेंगे, तो एक अच्छे इंसान बनेंगे। और तुमने कभी पुस्तक देखी? पुस्तक में हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो बच्चों, इस कविता में आपने क्या सीखा? अगर हम स्कूल जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, तो एक अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे। बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।